एनकाउंटर, डॉन, माफिया, बाहुबली, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये शब्द नए नहीं हैं, लेकिन अधिकतर वक्त सिर्फ हवा में तैरते रहते हैं। फिर आता है एक मौका जब ये शब्द हवा से निकलकर स्याही में ढलते हैं और चस्पा हो जाते हैं अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस पर। पिछले दिनों एक ऐसा ही मौका आया जब उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ और फिर सरे कैमरा अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई। इस घटना से हमें याद आई कुछ 25 साल पहले हुई एक घटना, एक एनकाउंटर उस नामी डॉन का, जिसका आतंक कुछ ऐसा था कि एक बार प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी को अपना लखनऊ दौरा रद्द करना पड़ा था, जिसकी हिमाकत इस हद तक जा पहुंची थी कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही सुपारी ले ली थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की। नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। श्री प्रकाश शुक्ला के पास वो सब कुछ था जिसकी किसी इंसान को चाह हो सकती है, पैसा, पावर, ऊंचे लोगों तक पहुंच। ये सब हासिल हुआ उसको जुर्म की बदौलत। श्री प्रकाश शुक्ला को जुर्म से कोई परहेज नहीं था। उसकी तमन्ना इंडिया का सबसे बड़ा डॉन बनने की थी, दाऊद से भी बड़ा। वो टीवी पर आना चाहता था। उसकी ये तमन्ना पूरी भी हुई। सितंबर 1998 में जी टीवी पर आने वाले क्राइम शो इंडिया मोस्ट वॉन्टेड में एक पूरा शो उसके नाम से एयर हुआ, लेकिन शोहरत का यह जश्न सिर्फ एक हफ्ते कायम रह सका। 22 सितंबर 1998 की दोपहर 2:15 पर दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर एक एनकाउंटर में वो मारा गया। श्री प्रकाश पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं उसके डॉन बनने के सफर के बारे में। श्री प्रकाश की शुरुआत हुई गोरखपुर से। यहाँ मामखोर नाम के एक गांव में उसके पिता स्कूल मास्टर थे, लेकिन श्री प्रकाश का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे पहलवानी का शौक था। चौड़ी छाती और लंबे कद का श्री प्रकाश जल्द ही अखाड़ों में नाम कमाने लगा। पहलवानी चलती रहती तो शायद उसकी जिंदगी का सफर कुछ और ही होता, लेकिन फिर साल 1993 में हुई एक घटना ने उसकी कहानी का रुख मोड़ दिया। हुआ यूं कि एक रोज राकेश तिवारी नाम के एक लफंगे ने श्री प्रकाश की बहन को देखकर सीटी बजा दी। प्रकाश ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत ही हो गई। पुलिस के डर से वो बैंकॉक भाग गया। कुछ साल बाद लौटा, लेकिन अब उसने पहलवानी छोड़ जुर्म की राह पकड़ ली। बिहार के मोकामा में उन दिनों एक डॉन का बोलबाला था, सूरज भाल। श्री प्रकाश ने उसे अपना गॉडफादर बनाया और धीरे धीरे जुर्म का एम्पायर बनाने लगा। जल्द ही उसने सुपारी लेने का काम शुरू कर दिया। साथ ही किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी जैसे धंधों में वो पारंगत हो चुका था। इन धंधों को उसने यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक फैलाया। जल्द ही वो अपराध जगत में एक जाना माना नाम बन गया। जैसे जैसे बदमाशी में उसका नाम बढ़ा, उसकी अय्याशी के शौक भी बढ़ते गए। महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें, ये उसके कुछ पसंदीदा शौक थे। श्री प्रकाश खुद को एकदम फिल्मी डॉन समझता था। दोस्तों में डींगे हाँकता था कि हर रोज उसके टेलीफोन का ही खर्च 5,000 रुपये है। हालांकि इतने से भी वो संतुष्ट नहीं था। यूपी माफिया का गढ़ था। श्री प्रकाश को एहसास था कि यहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो उसे महज नौसिखिया समझते हैं। इसीलिए उसने तय किया कि वो एक बड़े कांड को अंजाम देगा, ताकि उसके नाम का भौकाल जम जाए। साल 1997 की बात है। यूपी के महराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक थे वीरेंद्र शाही, जिन्हें ठाकुरों का सर्वमान्य नेता माना जाता था। एक दोपहर श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में सरेआम वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। पूरे यूपी में हल्ला मच गया। हर गैंग को इस बात की खबर लग चुकी थी कि एक नए छोकरे ने पुराने बाहुबली को खत्म कर दिया, और साथ ही ये भी कि पूर्वांचल की जमीन में एक नए खिलाड़ी का उदय हो चुका है। शुक्ला यही नहीं रुका, उसकी लिस्ट में अगला नंबर था कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। तिवारी भी कम बड़े बाहुबली नहीं थे। 15 साल से विधायक थे और एक चुनाव तो उन्होंने जेल में रहते ही जीत डाला था। श्री प्रकाश की नजर हरिशंकर तिवारी की सीट पर थी। उसे एहसास हो गया था कि एक बार विधायकी की गंगा में नहा लिया तो फिर कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला से खौफ खाए थे। कहा जाता है कि वो शुक्ला के पिता को हर समय अपने साथ रखते थे, ताकि वो उन पर हमला करने की हिम्मत ना करे। तिवारी तो बच गए, लेकिन जल्द ही श्री प्रकाश ने एक और हत्याकांड को अंजाम दिया। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था।
श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने वो अपनी लाल बत्ती वाली कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लेस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से भून कर फरार हो गए। इस कत्ल के पीछे श्री प्रकाश का उद्देश्य था रेलवे के ठेको पर वर्चस्व स्थापित करना। इसी फिराक में कई छुटभैये बदमाशों को उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। जैसे जैसे श्री प्रकाश के अपराध का ग्राफ बढ़ा, पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम से दर्ज पन्ने भी बढ़ते गए। पुलिस के रडार पर तो वो काफी समय से था, लेकिन 1998 के आसपास पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। पता चला कि शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली है, वो भी 6 करोड़ रुपए में। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स अब उसके पीछे थी। एसटीएफ का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में उसने किराए पर एक फ्लैट लिया है, यहीं से वो अपना धंधा चलाता है फोन के जरिए। वो हमेशा ध्यान रखता था कि एक ही नंबर बार बार यूज न करे, इसके लिए उसने 14 सिम कार्ड ले रखे थे। सितंबर 1998 में उसने लखनऊ के एक बिल्डर को धमकी दी। हर बार की तरह इस बार भी उसकी मांग सीधी थी, हर फ्लैट पर 50,000 रुपए की रंगदारी। लेकिन रंगदारी रंग लाती इससे पहले ही इस कॉल की खबर पुलिस तक पहुंच गई। भारत में तब सेलफोन नए नए आए थे, मुजरिमों ने इनका इस्तेमाल शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये फोन आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं और फोन कॉल के जरिए ही किसी की लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है। यही बात श्री प्रकाश शुक्ला की गिरफ्तारी का कारण भी बनी। पुलिस ने उसका फोन ट्रैक करना शुरू किया। यहीं पर श्री प्रकाश शुक्ला से एक बड़ी गलती हो गई। नंबर बदलने के बजाय उस हफ्ते उसने एक ही नंबर इस्तेमाल किया पूरे हफ्ते। इससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान हो गया। 21 सितंबर के रोज पुलिस के हाथ एक पुख्ता जानकारी लगी। एक मुखबिर ने बताया कि शुक्ला अगली सुबह 6:45 दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए फ्लाइट पकड़ेगा। पुलिस ने फील्डिंग लगाई, लेकिन शुक्ला अपनी अच्छी किस्मत के चलते मौके पर पहुंचा ही नहीं। हालांकि किस्मत की यह मेहरबानी ज्यादा देर नहीं चली। 22 सितंबर की दोपहर श्री प्रकाश अपने घर से निकला गाजियाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। उसका फोन अभी भी पुलिस के रडार पर था। पुलिस को पता था वो इसी रास्ते वापसी करेगा, सो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स बीच रहा उसका इंतजार करने लगी। दोपहर 1:30 श्री प्रकाश अपनी नीली CLO कार में मोहन नगर फ्लाईओवर पर पहुंच गया। यहां उसे पुलिस की 5 गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। उसकी कार का नंबर था HR26G7305। ये एक फर्जी नंबर था जो असल में किसी स्कूटर को आवंटित हुआ था। श्री प्रकाश को अंदाजा था कि मौका मिलने पर पुलिस उसके एनकाउंटर से भी गुरेज नहीं करेगी। इसके बावजूद सरेंडर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। गाड़ी में उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। गाड़ी वो खुद चला रहा था, जबकि अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा हुआ था। पुलिस की गाड़ी देखकर उसने अपनी स्पीड तेज करने की कोशिश की, लेकिन तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ा दी। निकलने की फिराक में शुक्ला ने अपनी गाड़ी को तेजी से बाईं ओर काटा। अब उसकी गाड़ी सीधे यूपी आवास विकास कॉलोनी की ओर भाग रही थी। करीब 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब आखिरी मुठभेड़ की बारी थी। शुक्ला और उसके साथियों ने पहला फायर किया और एक के बाद एक 14 राउंड फायर किए। बदले में पुलिस ने 45 गोलियां दागी और मिनटों के अंदर उसके और उसके साथियों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर को तब कवर किया था इंडिया टुडे के रिपोर्टर सुभाष मिश्रा और कुमार संजय सिंह ने। अपनी रिपोर्ट में वो लिखते हैं, बदमाशी और रंगबाजी का नशा शुक्ला के अंत का कारण बना। आखिरी दिनों में वो राजनीति में उतरने का मन बना चुका था और संभव है जल्द ही वो सत्ता से अपनी सेटिंग बिठा लेता। तब यूपी के राजनीतिक हालात ऐसे थे कि लोग मजाक में कहने भी लगे थे कि कहीं वो यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। मजाक अपनी जगह, लेकिन चिंता की बात यह है कि शुक्ला के दौर में और शायद आज भी कई नौजवान हैं जो शुक्ला सी जिंदगी जीने का अरमान रखते हैं। बहरहाल आज के एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ लेते हैं विदा।